पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष टीबी सिंह को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई और स्वागत के कार्यक्रम में रविवार को तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुटे। गोमती होटल में आयोजित कार्यक्रम में टीबी सिंह ने कहा कि बीते एक साल में संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में इकाइयों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि UPWJU प्रदेश में पत्रकारों को पेंशन दिलाने के एजेंडे पर जोर शोर से जुटा हुआ है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध भी किया है। कार्यक्रम में मौजूद UPWJU पदाधिकारियों और साथियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह को अधिकृत करते हुए उनसे इस संदर्भ में शीघ्र प्रस्तावित मुलाकात तथा महत्वपूर्ण विषय को रखने का अनुरोध किया है। टीबी सिंह के एक वर्ष के कार्यों की सराहना करते हुए IFWJ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि संगठन को जड़ता की स्थिति से निकालकर सक्रिय बनाने और बड़े पैमाने पर तमाम युवा साथियों को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह ने टीबी सिंह को वर्ष भर सक्रिय रहने और पत्रकार हितों के लिए संघर्ष करने वाला बताया। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय ने कहा कि ट्रेड यूनियनों के बीच उपजी निराशा के बीच टीबी सिंह सलीखे लोगों की सक्रियता नई उम्मीद जगाती है। IFWJ के वरिष्ठ साथी उत्कर्ष सिन्हा ने कहा कि UPWJU को ग्रामीण अंचलों में सक्रियता बढ़ाने और छोटे पत्रकारों के हितों के संरक्षण में जुटना होगा। टीबी सिंह का माल्यार्पण कर और उनके भेंट कर वरिष्ठ पत्रकार अशोक त्रिपाठी, धीरज त्रिपाठी, मुकुल मिश्रा, आशीष वाजपेयी, दिवस दुबे, राजेश मिश्रा, अजय त्रिवेदी, सिद्धार्थ कलहंस, एंथनी सिंह, पीपी सिंह और अविनाश वर्मा ने स्वागत किया। विश्वविद्यालय की गतिविधियों में शरीक होते रहे। संयोग ऐसा बना लगभग एक ही समय के आसपास हम लोग पत्रकारिता में जुड़े। जो कड़ी विश्वविद्यालय से जुड़ी थी या चल रही थी उस कड़ी को हम लोगों ने पत्रकारिता के रूप में उसको बनाए रखा और आज उपस्थित होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं पत्रकारों की समस्याओं को, उनकी बातों को किसी संगठन के दायरे में किसी उसमें बांध नहीं रखना चाहता। जो भी हमारे लिए लड़े, आवश्यकता ये है कि हमारे लिए लड़ना है, ऐसा नहीं है। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे ही आपके बीच के लोग जो जिस तरह से बटे हुए हैं, जो जाके एक साई की तरह खड़े हो जाते हैं, वही हमारे आपके लिए बाधक है। मैं समझता हूँ टीबीसी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उस बाधा को आप दूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस बाधा को दूर करेंगे और जब आप उस बाधा को दूर कर देंगे जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे, मैंने कहा ना कि अपने को संगठनों के दायरे में बांध के नहीं रखना चाहता। जो भी हमारे लिए लड़ेगा, जो भी हमारे लिए संघर्ष करेगा, जो भी हमारे साथ रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये ऐसा आज पहली बार नहीं, मैंने साबित भी किया है। आदरणीय हेमंत जी के चुनाव में मैंने अपनी पूरी परिपाटी से अलग होकर के अपने सिद्धांतों को खड़ा हुआ। खैर, आपका इसमें कोई दोरा नहीं, आपकी लोकप्रियता, आप पत्रकारों के बीच जो आपकी लोकप्रियता रही, जो आपकी कार्य प्रणाली आपकी रही है, निश्चित रूप से आप पॉपुलर हैं, पॉपुलर नेता हमारे हैं, इसलिए आपको BSC मिली। इसीलिए भी बहुत समय हो गया, लेकिन एक साल बाद ही पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और आगे भी आप इसका नेतृत्व तो करते रहे, पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे, ये मेरी कामना। रही बात टीवी सिंह, निश्चित रूप से आप टीवी सिंह जी बधाई के पात्र हैं। आपने अपने संगठन को बहुत मजबूत किया है, प्रदेश में आगे भी मजबूत करेंगे। ये सच बात है, जैसे हेमंत जी ने कहा कि अगर हर जिलों में हमारे संगठन मजबूत होंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी सक्रियता बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, आज तो दबाव का दौर है, जब तक दबाव की राजनीति नहीं होगी और संगठन में जब तक पत्रकार नहीं दिखेंगे, जब तक किसी संगठन में पत्रकार नहीं दिखेंगे, तब तक निश्चित रूप से उस संगठन की महिमा या उस संगठन का महत्व बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो हमें पहले इसी दिशा में कार्य करने की जरूरत है। हम 8 हैं 10 हैं, आज कम से कम ये देख के अच्छा लग रहा है कि इसमें वही लोग हैं कि कम से कम जो सक्रिय है और पत्रकारिता करते हैं, ऐसे लोगों को ही सक्रिय करने की जरूरत है। तो टीवी सिंह, आप निश्चित रूप से आप इसी तरह इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए, हमसे जो भी सहयोग हो सकता है या जो हम कर सकते हैं, आपकी तरह आप जैसा तेजी से तो नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन संभवतः पीछे भी नहीं रहेंगे, दबड़ेंगे आपके साथ ही है। हम आपके साथ होने वाला एक साथ है, उसके लिए बड़ी योजनाएं होंगी, कुछ इनके दिमाग में नए प्रयोग भी होंगे। उत्तर प्रदेश की जो इकाई टीबी सिंह ने बनाई, वो इकाई केवल लोगों को
एडजस्ट करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए नहीं बनाई, बल्कि एक छोटी इकाई बनाई और बहुत सोच समझ कर वो इकाई बनाई, जो इकाई आज इनके एक आवाज पर, एक इशारे पर कहीं भी चल देने के लिए तैयार रहती है, कहीं भी इकट्ठा हो जाती है और 24 घंटे वो पत्रकारों के हितों के लिए काम करती है। एक टेलीफोन कॉल पर देश के जिन भी जिलों में इकाई का गठन हो चुका है, वहाँ के लोग UPWA के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ तुरंत संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये स्थिति आज TV सिंह जी ने काट दी। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर जहाँ तक बात है, वो कहीं भी TV सिंह पीछे नहीं रहे। ज्ञापन देना, मांगे उठाना, उनकी आवश्यकताओं को लेकर उच्च अधिकारियों से बात करना हो, हर जगह इन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है। लेकिन जो जिस तरीके से काम इन्होंने किया है, ये वास्तव में इसलिए सराहनीय है कि एक ऐसा माहौल है जिसमें माना जाता है कि संगठन का काम करना सबसे टफ है, और अगर कोई ऐसे खिलाफ माहौल में एक बेहतर काम करे तो वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसकी काबिलियत का एहतराम करना चाहिए। एक घटना बलिया में हुई थी, बहराइच का तो संघर्ष आपका सबको जानकारी में है। बलिया में एक घटना हुई थी जहां पत्रकारों ने पूरा शहर पत्रकारों के समर्थन में भर दिया। तो ऐसा नहीं है, लोग अच्छे लोगों के साथ जिनकी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी साख क्या है, और जिनकी साख अच्छी होती है उनको कामयाबी मिलती है, लोग उनके साथ खड़े होते हैं। और TV सिंह साहब के साथ यही बात है, इनकी साख बहुत अच्छी है। हेमंत भाई चुनाव बार बार जीतते हैं तो सिर्फ इसलिए जीतते हैं कि इनकी साख बहुत अच्छी है, इनकी काबिलियत और इनकी जो क्षमता है और जो जो इनकी पर्सनालिटी है वो इनको लोगों के बीच में लोकप्रियता देती है। संगठन की गतिविधियां जो साहब ने विस्तृत की है इसलिए भी जरूरी है कि लोकतंत्र में जितनी बड़ी आपकी क्षमता होगी, जितनी बड़ी बड़ा जनसमर्थन आपके साथ होगा, जितना बड़ा संगठन होगा, उतने ही ज्यादा आप दबाव बना सकेंगे, ये अपने हक की बात कर सकेंगे। पहले के दौर में अभी बात जैसे कहा हेमंत जी ने कि ट्रेड यूनियंस नीचे चली गई हैं, उनका ह्रास हुआ है, तो ह्रास होने का कारण यही है कि जो ट्रेड यूनियन पे सीट्स में लोग बैठे थे उन्होंने इतनी गंदगी कर रखी थी कि जो उनके साथ थे उन्हीं का भरोसा उनके उठ गया, बाकी नए लोगों का जुड़ना तो दूर। तो ये जब क्रेडिबिलिटी ही नहीं होगी और जो गलत कामों में लिप्त होगा तो कभी भी कोई ट्रेड यूनियन मजबूत नहीं हो सकती। और सिर्फ पत्रकारों की नहीं, तमाम ट्रेड यूनियन के साथ यही हुआ है कि जब लीडरशिप पे सवाल उठता है, लीडरशिप के कैरेक्टर पे, उनके कामकाज के तरीके पे, तो वो अपने आप कमजोर हो जाती है। और एक खुशी की बात यह है कि हम एक नए दूसरे मतलब एक नए चरण में आगे जा रहे हैं संगठन को मजबूत करने। सिद्धार्थ प्रधान जी, राष्ट्रीय सचिव जी और मनोनीत नेशनल सेक्रेटरी जनरल श्री TV सिंह जी, उनके बारे में खाली एक ही लाइन दे सच फिट बैठती है, जो साठा वही पाठा। वाह। और तमाम विश्व दशा अनौपचारिक कार्यक्रम है, लेकिन कुछ बातें जो हमारे जहन में है जरूर करना चाहूंगा। जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आमतौर पर 58 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति के लिए अधिमान्य कर दी गई और इस उम्र तक आते आते व्यावसायिक और शारीरिक शैथिल्य भी सामने आ जाता है, उसके बावजूद हौसलों की जो उड़ान हमने UPWA के अध्यक्ष TV सिंह जी ने देखी है, ईमानदारी से श्लाघा नहीं, शुद्ध मन से कह रहा हूं, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ सुरेश जी हैं, कलहन जी हैं, विजय जी हैं हमारे, और तमाम साथी उत्कर्ष जी हैं, मुकुल जी हैं, वीरेन जी, त्रिवेदी जी, मिश्रा जी, सिंह सारे कम से कम 4-5 वरिष्ठ साथी जरूर जानते हैं कि पत्रकारिता का जिस तरीके से विकास और विस्तार हुआ ट्रेड यूनियन आंदोलनों का उसी प्रकार से ह्रास हुआ है इस देश में
इस प्रदेश में, और इस प्रदेश और इस देश में तो क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े विषयों की जो ट्रेड यूनियन सबसे प्रमुख होती थी, उसने कुछ कारणों से कुछ निदान स्वार्थवादी व्यक्तिवादी परिवारवादी वजहों से इसको व्यवसाय बना दिया, मूवमेंट नहीं रहने दिया। वर्षों तक न तो राज्यों की इकाइयां बनी, और जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य में पिछले 40 वर्षों के दौरान हमने 5 या 7 जिलों से अधिक की डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स नहीं देखी। गवाह है सुरेश जी, गवाह है कलन जी, टीवी सिंह जी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।